हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एकलव्य आर्ट स्टूडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और घर पे भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में हमने सीखा था दो कलर को वाटर के साथ ब्लेंड कैसे करना है, दो कलर को एक साथ कैसे ब्लेंड करना है, और हमने सीखा था दो कलर्स को ब्लेंड करके एक तीसरा कलर कैसे निकालना है। तो हमने कलर ब्लेंडिंग सीखी थी कल की क्लास में। आज की क्लास में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट हम एक स्पेसिफिक शेप के अंदर कलर को करना सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो एक हम शेप ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हमें कलर कैसे फिल करना है उसको सीखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लास आपका आज की क्लास भी आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहे, रोज दिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके लिए आप बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सीखेंगे मिक्सिंग ऑफ कलर्स, ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स, ठीक है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अपने इस शीट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले इस तरीके से ये पार्ट हम इसलिए बना रहे हैं कि इसमें हम ब्लेंडिंग करेंगे डिफरेंट कलर्स के साथ। छोटे छोटे बॉक्सेस में जब करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा कलर ब्लेंडिंग सीखना और समझना, ठीक है। एक बड़े शीट पे अगर हम करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, एक छोटे से स्पेस पे करेंगे ब्लेंडिंग तो वो ज़्यादा ईजी होगा समझना। चलिए तो सबसे पहले हम कलर लेते हैं, ब्लू कलर से स्टार्ट करती हूँ मैं। कलर ब्लेंडिंग के लिए आपको अपने शीट को पहले वेट कर लेना है। वाटर कलर में दो टेक्निक यूज़ की जाती है, वेट टू वेट और वेट टू ड्राई, ठीक है। तो वेट टू वेट क्या होता है, वेट टू वेट ये होता है वाटर कलर भी आपका वेट है और शीट भी आपका वेट है, आपको उसको पानी से पहले से गीला कर लिया आपने तो वो भी वेट हो गया। तो वेट टू वेट ये दोनों वेट टू वेट टेक्निक है, ठीक है। और अगर आपने शीट को गीला नहीं किया है, आपका शीट ड्राई है, तो वो वेट टू ड्राई हो गया, वाटर कलर आपका वेट है और शीट आपका ड्राई है, ठीक है। तो अभी हम वेट टू वेट टेक्निक यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए वेट टू वेट टेक्निक बहुत अच्छी होती है। आपका शीट जितना ज़्यादा अच्छे से वेट होगा वो ब्लेंडिंग में उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने दो ब्लू कलर को एक साथ कितने अच्छे से ब्लेंड किया है, डार्क ब्लू लाइट ब्लू, और उसको वाइट के साथ वाइंड अप कर दिया है। चलिए यहाँ पे भी हम पहले अपने शीट को वेट कर लेते हैं। आप पूरे शीट को एक साथ भी ब्लेंड वेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं डार्क ब्लू लेने वाली हूँ। देखिए शीट गीला है, कितने अच्छे से कलर सपोर्ट कर रहा है स्प्रेड होने में, और जो दूसरा कलर मैं इसे दूंगी उसको वो ब्लेंड करने में भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। ये देखिए दूसरे कलर को, जो दूसरा ब्लू का शेड लिया मैंने, उसको मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि किस लाइन से या किस जगह से आपने दूसरा शेड स्टार्ट किया है। तीनों शेड बिल्कुल अच्छे तरह से मर्ज हो गए हैं। ये तीन ब्लू का तीन शेड मैंने यूज़ किया और तीनों बहुत अच्छे तरीके से आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब मैं ये चारों ब्लू के शेड एक साथ यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए पहले कागज़ को वेट कर लेते हैं। पेपर पूरा अच्छे तरीके से गीला हो चुका है,
तो अब आप कलर करेंगे तो बहुत इजी होगा ब्लेंडिंग में, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट शेड उठाया ब्लू का, वाटर कलर में आप ध्यान दीजिएगा तो हमेशा सेकेंड कोट जब करते हैं ना तब बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, बहुत अच्छा टेक्सचर निकल के आता है। अब ये देखिए मैंने ब्लू का दूसरा शेड उठाया है, सबसे पहले मैंने ये वाला शेड यूज़ किया था, अभी मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। रिदम बनाने के लिए आप इसके साथ दूसरे को भी ऐड कर सकते हैं ऊपर भी। अभी मैं इसमें तीसरा शेड यूज़ करने वाली हूँ, थोड़ा सा वाटर के साथ इसको वेट कर दिया दोबारा, क्योंकि फ़ैन चल रहा है, गर्मी है, कलर जल्दी जल्दी पानी जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा और इसको वेट कर लिया। अब ये देखिए ब्लू कलर का तीसरा शेड मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और अब मैं ये फोर्थ वाला लास्ट वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए पानी पूरा सूख चुका है तो हमें और थोड़ा सा वाटर ऐड करने की ज़रूरत है। देखिए ब्लू के चार ब्लू के शेड एक साथ ऐड हो गए हैं और कहीं भी कोई पैच नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इसी तरह से आपको कलर ब्लेंडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है कलर ब्लेंडिंग की। दो कलर, तीन कलर, चार कलर एक साथ उठा करके आप कर सकते हैं। तो अभी तो हमने किया सेम फैमिली के कलर को, मतलब हम ब्लू के ब्लू फैमिली के ही सारे कलर्स को मिक्स कर रहे थे, ब्लेंड कर रहे थे एक साथ, ठीक है। अब दो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के कलर्स को उठाते हैं और उनको ब्लेंड करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने ब्लू लिया, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर को किस कलर के साथ ब्लेंड करने वाले हैं, कौन से दूसरे कलर को चूज़ करने वाले हैं इसके साथ, ये आपकी चॉइस होगी। आगे की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर का क्या मतलब होता है, किन दो प्राइमरी कलरों को मिला के, किन दो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाने से कौन सा तीसरा कलर बनता है, ये सब आप बाद की क्लासेस में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ ये ब्लेंडिंग सीख लीजिए। इसमें क्या करना है, मैंने देखिए ब्लू के साथ पर्पल को ऐड किया है, ठीक है, एक अच्छा टेक्सचर दे रहा है और मिक्स भी हो जा रहा है इजीली, ब्लू और पर्पल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इनको मिक्स करने में, और कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है ऐसा कि कलर कहाँ से ये अजीब सा नमूना कलर आ गया, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, तो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं ब्लू के साथ पर्पल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करने जा रही हूँ पर्पल एंड रेड, ठीक है। ये मैंने वेट करना मैं भूल गई थी, अगर आपका पेपर गीला है तो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग होती है। अब मैं पर्पल के साथ रेड कलर मिक्स कर रही हूँ, देखिए बहुत अच्छा टेक्सचर दे रहा है, और पर्पल के ऊपर अगर आपने रेड का एक कोट कर दिया है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ये क्यों हो रहा है वो भी आपको आगे के क्लासेस में पता चलेगा, क्योंकि ये वार्म कलर और कोल्ड कलर की वजह से हो रहा है, कौन से कलर वार्म है कौन से कलर कोल्ड होते हैं ये सब आपको अगली क्लासेस में मैं बताऊंगी, आगे की क्लासेस में, या उनके ऊपर एक अलग वीडियो बना के मैं डाल दूँगी, आप देख सकते हैं उस पर कि कौन कौन से कलर वार्म होते हैं कौन कौन से कोल्ड होते हैं, किन दो वार्म कलर को एक साथ मिलाया जा सकता है, किन दो वार्म और कोल्ड कलर को एक साथ मिलाया जा सकता है। ये देखिए पर्पल रेड एंड पिंक, तीन कलर को मैंने एक साथ मिलाया है ना,
और ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे नए नए कलर्स भी मिलेंगे इन ब्लेंडिंग के दौरान। जब आप दो कलर को मिला रहे होंगे तो आपको एक नया कलर भी दिखेगा ब्लेंड में बनता हुआ। तो आप उसको किसी पेपर पे एक जगह नोट डाउन करके रख सकते हैं या इसी शीट के पीछे आप लिख सकते हैं कि जब मैंने ब्राउन को और वाइट को मिलाया तो मुझे कौन सा कलर मिला। ऐसा कुछ अगर होता है तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, फ्यूचर में कभी यूज़ करना हो तो उस शेड को आप यूज़ कर सकते हैं। और क्या पता आपने एक नई कलर टेक्निक, एक नई कलर का इन्वेंट कर दिया, गॉड नोज, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने क्या किया, ब्राउन के साथ पीच कलर को मिक्स किया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन सा दिख रहा है, इस लाइन को हमें कवर करना है। ब्लेंडिंग में लाइन नहीं दिखनी चाहिए, पैच नहीं दिखना चाहिए, कहीं से पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरा कलर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छे से आपस में ब्लेंड होना चाहिए, उसे ही ब्लेंडिंग कहते हैं। अब देखिए हो गया ना ब्लेंड अच्छे से। इसी तरह से मैं आपको ब्राउन के भी तीन डिफरेंट शेड्स को मिला के दिखाती हूँ। पेपर को वेट कर लेते हैं। डार्क ब्राउन किसी भी कलर में अगर आपको बहुत डेप्थ चाहिए और भी डार्कनेस चाहिए, जैसे ब्राउन में आपको और ज़्यादा डार्कनेस चाहिए, तो आप थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर सकते हैं तो इसकी डेप्थ बढ़ जाएगी। अब देखिए मैंने ब्राउन का एक दूसरा शेड इसके साथ ऐड कर दिया। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, बहुत स्मूथली हो चुकी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मैंने तीसरा शेड भी ऐड किया ब्राउन का, ये ब्राउन के तीनों डिफरेंट शेड्स ऐड हो चुके हैं और बहुत अच्छा कलर निकल के आ रहा है ना। इसी के साथ आपको वाइट थोड़ा ऐड कर देंगे तो ब्राउन का एक फोर्थ शेड भी निकल के आ जाएगा, ये बहुत ही लाइट शेड हुआ। तो वाइट ऐड करके तो आप किसी भी कलर का लाइट शेड निकाल सकते हैं। आ रहा है ना मजा? मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आपने भी अभी तक तो स्टार्ट भी कर दिया होगा करना, कि इतनी देर तो कोई भी कलर को देख के स्टॉप चुपचाप बैठा रह ही नहीं सकता, अपने आप को स्टॉप कर ही नहीं सकता। चलिए अब हम चल रहे हैं ग्रीन की तरफ, ठीक है। तो अब हम ग्रीन का शेड निकाल रहे हैं। पेपर को वेट कर लेती हूँ सबसे पहले, वेट होने से कलर अच्छे से स्ट्रेच होता है। तो ये रहा आपका डार्क ग्रीन, और उसके साथ हमने मीडियम ग्रीन निकाला है, मीडियम ग्रीन ऐड कर दिया। यहाँ पे थोड़ी कमी लग रही है तो और थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं। मीडियम ग्रीन के बाद हम ऐड करेंगे लाइट ग्रीन। ये देखिए ग्रीन के तीन डिफरेंट शेड्स आ गए, और ग्रीन का एक चौथा शेड भी हो सकता है। वो कैसे, थोड़ा सा इसमें येलो ऐड कर दीजिए। तो ये रहा ग्रीन का आपका चौथा शेड। तो अभी हमारे पास तीन ही शेड थे और हमने फोर्थ शेड अभी बना लिया, एक लाइट ग्रीन, लेमन ग्रीन अगर बनाना हो तो लाइट ग्रीन के साथ येलो ऐड कर दिया हमने। चलिए मैं आपको फ्रेश
शीट पे बना के भी दिखाती हूँ ड्रेस लेकर के। बहुत सुंदर सा ग्रीन निकल के आता है, लाइट ग्रीन एंड येलो। ये है हमारा लाइट ग्रीन का शेड और इसके साथ हमने ऐड कर दिया येलो कलर। देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा कलर निकल के आया है, लेमन येलो। तो कभी आप स्प्रिंग सीजन बना रहे हो तो इस वाले कलर की बहुत ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से आप लेमन येलो निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा कलर यूज़ करें? चलिए तो अब हम रेड, आपको पता है कि रेड के साथ वाइट को अगर मिक्स करेंगे तो पिंक बनेगा, है ना? तो हम रेड के साथ पिंक को ना मिक्स करके, अभी तो मेरे पास पिंक है ऑलरेडी, बट मैं तीन डिफरेंट शेड निकाल के आपको दिखाती हूँ कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रेड कलर, इसके साथ हमने ऐड कर दिया पिंक कलर। ये हमारे कलर पैलेट में है ऑलरेडी बना हुआ, तो पिंक कर दिया। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे वाइट ऐड कर देते तो पिंक बन जाता है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है लास्ट वाला, इसमें हम थोड़ा सा वाइट ऐड कर देंगे। ये देखिए लाइट पिंक हो गया। ऊपर से कलर को थोड़ा नीचे स्ट्रेच कर दिया तो पिंक के तीन शेड बन गए आपके। रेड में वाइट भी ऐड कर दिया साथ साथ, पिंक के तीन डिफरेंट शेड आ गए, है ना? उसी तरह से आप कर सकते हैं ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। आपको पता है कि ब्लैक के साथ वाइट मिक्स करेंगे तो ग्रे बनता है। तो आपको ब्लैक के भी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स चाहिए तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ग्रे ऐड कर दिया। ब्लैक के साथ ये आपका ग्रे निकल के आ गया। तो ये देखिए ब्लैक के भी तीन शेड हो गए, डार्क, लाइट, लाइटेस्ट, है ना? तो ये है कलर ब्लेंडिंग। अभी आपने सारे कलर्स वैसे सीखे हैं, मैं आपको कुछ शेप में भी दिखाती हूँ, कर्व लाइन में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें स्ट्रेट लाइन में ही हम कर सकते हैं ब्लेंडिंग। लेट्स सपोज आपको स्काई बनाना है, कर्व लाइन में भी हमें ब्लेंडिंग करनी आनी चाहिए। ये है हमारा स्काई। स्काई में ऐसा नहीं कि कर्व लाइन इसलिए बना रही हूँ कि स्काई को कर्व से ही बनाते हैं, स्काई को भी फ्लैट बना सकते हैं, बट उसमें एक फील आ जाता है क्लाउड वाला। अगर आपने कर्व लाइन के साथ किया ब्लेंडिंग तो आपको फील आएगा कि ये क्लाउड्स हैं, है ना? तो एक रियल पिक्चर निकल के आता है। वाटर के साथ स्ट्रेच करना है कलर को जितना हो सके।
के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स को मैं अलग अलग लेयर में अप्लाई कर रही हूँ। पर आप इससे भी लाइट कर सकते हैं या इससे भी डार्क रख सकते हैं, एज यू विश। आपको अपना स्काई कैसा दिखाना है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी दिखाना है, बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखाना है, थोड़ा और इसमें ऐड कर सकते हैं कलर्स को। यहाँ पे लेट्स सपोज ये ज़्यादा फ्लैट और बनावटी दिख रहा है, तो हम इसको को और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये क्लाउडी हो गया आपका आसमान। इस तरीके से कर्व लाइन में भी ब्लेंडिंग की जा सकती है और एक परफेक्ट स्काई दिखा सकते हैं आप। बीच में थोड़ा डार्क स्पॉट ऐड करके क्लाउड को दिखा सकते हैं। सपोज ऐसे आपने क्लाउड दिखा दिया ब्लैक एंड ग्रे के साथ मिक्स करके, स्काई हर टाइम ब्लू तो होता नहीं है, कई बार बीच में ग्रे भी दिखता है आपको कलर, और हर टाइम पे स्काई को कलर चेंज होता रहता है, सनसेट के टाइम पे अलग, सनराइज के टाइम पे अलग। तो वो सारी चीज़ें तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स। तो ये देखें कितने तरीके से हमने कलर को ब्लेंड किया है, अलग अलग कलर्स को। ये देखिए एक और शीट मैंने किया हुआ है। इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, तरह तरह के कलर्स को ब्लेंड करने के लिए सीखना है, मिक्स करने के लिए सीखना है। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस, उतनी ज़्यादा जल्दी आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को भी मिला होगा। तो इसी तरह से आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी कुछ सिखाया जा रहा है उन सबको, और पीछे की क्लासेस में भी जो कुछ भी आपने सीखा है वो सब प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आप वीडियो को स्टॉप कर करके और रिपीट कर सकते हैं। तो बार बार करके देखते रहिए। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं, या किसी भी चीज़ स्पेसिफिक किसी स्टेज पे आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर कल की क्लास में हम मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।